जानते हो वेदों में कहा कि भगवान सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है। हमको जहां से सपोर्ट मिला, हमको जहां से आधार मिला, जहां से उम्मीद मिली, हमने उसको पूजा। पेड़ से मिला पेड़ को पूजा, पहाड़ से मिला पहाड़ को पूजा, नदी से मिला नदी को पूजा, समुद्र से मिला समुद्र को पूजा, धरती से मिला धरती को पूजा, आसमान से मिला आसमान को पूजा, चांद सितारे सूरज सब पूज डाले, लेकिन अंदर में शांति नहीं आई, क्योंकि आधा हमने वास्तव में भगवान नहीं अपने स्वार्थों को पूजा, अपनी जरूरतों को पूजा। जहां से सपोर्ट मिला, जहां से आधार मिला, सर झुकाते रहे। लेकिन जब गुरु मिला, जब भगवान मिले, तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान स्वार्थों में नहीं, स्वार्थ से परे भगवान है, जो सब कुछ का आधार है, जो सुख दाता है, वो सुख का स्रोत है, सुख उससे है, सुखों से सुख नहीं है, सुविधाओं से सुख नहीं है। हमने एक सुविधा मिली, एक नहीं मिली, एक से श्रद्धा किया, एक से गाली दे दिया, नहीं हुआ तो जिसको पूजा उसी के विरोध में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उस स्रोत को नहीं पूजा, उस साधन को पूजा जो हमको मिला, जिससे हमको थोड़ा भी संतोष मिला, थोड़ा भी आराम मिला, हमने उसको पूजा। वास्तविक पूजा क्या है, वास्तविक आराधना क्या है, वास्तविक जोड़ क्या है, क्या करना चाहिए और क्या करने लगे? देखो, एक रास्ता है जो बाहर ले जाता है, वही रास्ता है जो घर के अंदर ले आता है। अलग अलग रास्ते थोड़ी, दरवाजा तो एक ही है ना, बाहर जाने का और अंदर आने का एक रास्ता है। अब हमारे ऊपर आधारित है कि हम बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं। जब हम भगवान से तत्वतः जुड़ते हैं, जब हम भगवान से प्रीत करते हैं, जब हम भगवान के लिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, जो हमें सुख साधन मिल रहा है, उन सुख साधनों की अपेक्षा हम उस प्रीत को महत्व देते हैं जो उसके संयोग मात्र से मिलती है, उस सपोर्ट को ध्यान पर मन लगाते हैं जो हमको उस कृपावान से मिल रही है, तो हमारी श्रद्धा जो है वो सुख साधनों में भटकेगी नहीं। जहां मिलेगा हम वहां सर झुकाएंगे, जहां मिलेगा हम वहां सर झुकाएंगे, लेकिन मन कहीं नहीं लगाएंगे, भटकेगा मन में इच्छाएं और भटकेगी। एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी करो तो तीसरी खड़ी हो जाती। अंत है ना इच्छाओं का, अंत है ना आवश्यकताओं का अंत है। अब कहते हमारी जरूरत है, बराबर मानते हैं जरूरत है। जिंदगी में जीना है तो बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? जीवन की आवश्यकता होती है, जीवन रक्षक आवश्यकता होती है। वो जीवन किससे हमको मिलता है? उन सुविधाओं से, उन साधनों से, या उस कृपा से जिस नजर से हमें ये सब मिल रहा है? हमें बहुत ज्यादा लोग, बहुत संसार में सब कुछ हो और आंख में रोशनी ना हो, क्या हमको सुख मिलेगा? उन सुंदर दृश्य से सुख हम नहीं पा पाएंगे जो हमको आंख से मिलता है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ज्योति चाहिए, आंख की रोशनी चाहिए, जिस रोशनी में हम समस्त समग्र संसार को देख सकते हैं, समस्त ब्रह्मांड जिस रोशनी से हमको दिखाई देता है। हम जब उस रोशनी को देखेंगे, रोशनी हमारे अंदर में होगी, तभी तो हम कृपा को देख पाएंगे, तभी तो हम साधनों का उपयोग कर पाएंगे। साधन मिले उपयोग के लिए हैं, हमने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, माफिक हुआ तो बहुत जय जयकार हुई, नहीं माफिक मन के हुआ तो मन ने विरोध खड़ा कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने मन से मानसिक पूजा में क्या कर रहे हैं? हमको करना क्या चाहिए था और करने क्या लगे? तत्व से जुड़ के आत्मनिश्चय में आके आराम में आनंद में आना चाहिए था,
हम तो फिर जैसे संसार में भटक रहे थे वैसे मंदिर मस्जिद में भटकने लगे। भटकन कब शांत होती है? जब प्रीत जागती है अंदर में, जो ब्रह्म है, जो भगवान है, जो गुरु है, जिसकी कृपा से मन को शांति मिली, मन की दौड़ खत्म हुई। जब बहुत कुछ है, जब तक विराम नहीं आता है तब तक विश्राम नहीं आता है। जब तक दौड़ खत्म नहीं होती है तब तक आराम नहीं आता है। मंजिल नहीं मिलती जब तक, तब तक हम चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, थकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मंजिल नहीं पा रहे हैं। मंजिल पाने के बाद हम आराम पा जाते हैं, विराम के बाद विश्राम आता है। अभी सेंटेंस बनाओ, उसके बाद एक फुल स्टॉप लगा दो या एक विराम लगा दो, तो लगता है बात यहाँ खत्म हुई, बात यहाँ रुकी। हमें भी जीवन में तब आराम मिलता है जब हमारी बुद्धि को विराम लगता है, जब हमारे मन को विराम लगता है। मन की दौड़ जब शांत होती, मन की दौड़ शांत होती है गुरु में ध्यान लगाने से, गुरु में मन लगाने से, गुरु को सर्वे सर्वा मानने से। हम हालत स्थिति परिस्थिति माफिक हो इसके लिए भजन नहीं करते, हम भजन करते हैं सच्ची बता रहे कि हमें भगवान की नजर मिले। जब नजर मिलती है तो हम कैसे भी हो शुक्राने में रहते हैं, कैसे भी हो गुणगान में रहते हैं, हर स्थिति में भगवान से जुड़ के रहते हैं। तो अंदर की अगर क्रिया अच्छी हो तो बाहर से, अगर शरीर स्वस्थ हो तो बाहर से दुनिया सब बहुत अच्छी होती है। तो जरूरत किस चीज की है? हमें अंदर में आराम की जरूरत है, और आराम मिलता है भगवान के स्मरण से, भगवान की याद से, भगवान के योग से जुड़ने से। अगर जुड़ोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। ये बाहर मुक्ता जो है वो जुड़ने नहीं देती है। जुड़ते जुड़ क्यों नहीं पाते? आते तो हैं लेकिन मन कहीं ना कहीं अटक जाता है। बोला मीना बाजार लगाया है, उस मीना बाजार में भटक गया, कोई कहीं अटका, कोई कहीं अटका, कोई कहीं अटका, लेकिन राजा तक कौन पहुंचा? राजा तक कौन पहुंचा? पहुंचने के बाद भी, मिलने के बाद भी राजा तक, बाजार तक भी पहुंच गया, कोई दरवाजे पर अटक गया, कोई दरवाजे के अंदर आकर के विविध साधनों में अटक गया, संसाधनों में अटक गया। तो भगवान तक तो नहीं पहुंचाना। तुम्हारी पालना मेरी पालना भगवान करता है। मम चिंते क्या हुए, मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हुए। भगवान मेरी चिंता करता है, भगवान मेरी पालना करता है, भगवान मेरे अंग संग है। ये हम कब महसूस करें? हम तो इसी सब में, पूरा समय, जिंदगी का समय इसी सब में, उलझनों में बिता देंगे। आराम पाने के लिए तो राम होना जरूरी है, विराम के लिए विश्राम के लिए विराम होना जरूरी है। दौड़ खत्म होगी तब विश्राम होगा, विचारों की दौड़ खत्म होगी तब नींद आएगी। मन कहता है नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, दिमाग दौड़ा करता है। दिमाग ही शांत नहीं होगा तो चैन की नींद कैसे आएगी? भाई नहीं नींद आती है तो आदमी कहता भाई मैं नींद की दवा खा लेता हूँ। नींद को हमारे यहाँ नींद की दवा क्या है? भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान है। तुम सच्चे दिल से भगवान के ध्यान में किसी और विचार के बिना अगर लग पाओ तो बिल्कुल आराम में आ जाता है। बोला शून्य में स्थित हो जाता है। जो ब्रह्म पद है, जो आत्म पद है, जिस आत्म पद में मैं भी नहीं रह जाता है, तो मेरा और मेरी पकड़ कहाँ रहेगी? मैं और मेरे साधन कहाँ रहेंगे? हमको कहाँ जगह मिलेगी? नई जगह मिलेगी। तो जैसे जैसे हम ऊंची उड़ान उड़ते हैं वैसे वैसे हमारे बाहरी जो साधन होते हैं वो कम होते जाते हैं, बाहरी जरूरतें कम होती जाती है। जब जरूरत कम होती है तब भगवान की कृपा दिखाई देती है। जब हमें चाहिए नहीं, जब हम आराम में हैं, जब हम भगवान में हैं, तब हमें हमारी दौड़ बिल्कुल शांत है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। बोला गया मन स्थिर हो तो ब्रह्म है, हिले तो जगत है। हिले तो जगत है मतलब इच्छा आई तो जगत बन गया। मन को चाहिए हुआ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लालच आई, जो लुप्ता आई, संसार दिखाई दिया, संसार बन गया। तो बहुत सी चीजें अच्छी दिख जाती है, बहुत सी चीजें माफिक दिख जाती है। तो मन क्या करता है? रेस में दौड़ने लगता है। बाहर मुक्ता से इंसान को कम इंसान बना देती है। इच्छा से मन गंदा, तन गंदा,
यहाँ तक कि गात बोला ये शरीर जो है ये भी खराब वैसा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो मैली चादर ओढ़ के भगवान तक कैसे जाओगे। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोला चादर को धोबी को देना पड़ता है, ऐसे इस मन को भगवान को देना पड़ेगा। भगवान को कैसे देंगे, जब भगवान को सब में सर्वमान, जब भगवान को सबसे ऊंचा मानेंगे, जब भगवान को एक को सब कुछ का दाता मान लेंगे, एक को अपने मतलब उसके साय में आके जब हम शून्य हो जाएंगे, जब हम विलीन हो जाएंगे, जब हम भय ना हो जाएंगे, तब हम उस परम आनंद को पा सकते हैं जो हमको चाहिए, जो हम जिसके लिए हमने इस मनुष्य शरीर को धारण किया है। आत्मपद की में स्थिति तो मनुष्य मानव शरीर में ही मिल सकती है, और कहीं किसी भी योनि में सुख और आराम और सब कुछ मिल सकता है, साधन मिल सकते हैं, तपस्या हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता है, मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है। मुक्ति का मार्ग भगवान से जुड़ने का मार्ग इस मनुष्य शरीर में मिलता है, जिसमें बुद्धि भी दिया है और हृदय भी दिया है। हृदय प्रीत से भरा हो और बुद्धि नमन से भरी हो, अहम शून्य हो, बुद्धि तो हो लेकिन अर्पित बुद्धि हो, अर्पण बुद्धि हो, मन भगवान से जुड़ जाता है तो अपने अंदर की अहम जो है वो गल जाती है। जब हम मैं ना हो गए तो क्या हुआ, फिर मैं ना में कोई इच्छा नहीं रह जाती, निरिच्छा हो जाता है, निरिच्छा हो गए तो पालना भगवान करता है। जब निरिच्छा नहीं होते तो सोचते हैं ये चाहिए ये चाहिए, किस साधन से मिलेगा, उस साधन को माफी करने की चेष्टा करते हैं, तो हमारी चेष्टाएं किस तरफ बढ़ गई, साधनों की तरफ बढ़ गई, जहां से मिला वहां की तरफ बढ़ गई, तो हमारी तो एक पहले दूसरी भटकन दिया, दूसरी भटकन हो गई, लेकिन है वो भी भटकन। उस भटकन से आराम के लिए, उस भटकन से शांति के लिए क्या करना चाहिए, बोला सच्चे गुरु को जाओ। सच्चा गुरु वो क्या है, जो गुरु की मर्जी से अपने मन को मोड़ सकता है। गुरु वाक के सत्यम क्या है, जो गुरु ने कहा वो हम कहा बैठो तो बैठे, कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, कहा रुको तो रुक के, कहा जाओ तो जाओ, दिन तो दिन और रात तो रात। दिन वही दिन होता है जिसमें उजाला हो, रात वही होती है जिसमें अंधेरा हो। उजाला क्या है, ज्ञान है, रात क्या है, अज्ञान है। तो गुरु का जो वाक्य है वो पूर्णतः सत्य है। हम बाहरी उजाला और अंधेरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाहरी सुख और वैभव के चक्कर में पड़ जाते हैं, है दोनों बराबर दोनों है, लेकिन अगर अंतर्मुखी हो जाओगे, अंदर में चले जाओगे तो हमेशा का आनंद पाओगे। बाहरी साधनों में जाओगे आज मिलेगा कल छूट जाएगा, जो बालू है मुट्ठी में भर लो, कुछ भी ना करो, मुट्ठी ना खोलो, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी रिस जाएगी, बालू जो है हाथ से निकल जाएगी, ना छोड़ते हुए ना हटाते हुए भी वो हाथ से गिर जाएगी, और क्या बचेगी, खाली किसके सहारे। इसी तरह से संसार के संग से, संसार के लोभ से, संसार की लालच से हम कुछ भी हासिल भी कर लेंगे, उसके बाद क्या वो रहने वाला है, बोला नहीं, कुछ बहुत जल्दी टूट जाता है, कुछ देर से टूटता है, तो टूटने वाला है, तो छूटने वाला, तो जो छूटने वाला टूटने वाला है उसमें उसमें अपने मन को लगा के, उसमें अपने ध्यान को लगा के हम क्या पाते हैं, कुछ भी नहीं। संसार में हम भगवान के साथ रहते हैं तो भी हम संसार में रहते हैं, लेकिन उस संसार में मेरे जो यादें होती हैं वो सिर्फ भगवान के साथ जुड़ के होती है, भगवान की यादें होती हैं, भगवान से मिलके जो जो यादों का निचोड़ है, जो यादें हैं वो गुरु से जुड़ी हुई होती है, गुरु से जुड़ी हुई होती है तो आराम में होता है, और इच्छा में होता है, में होता है, लोभ में होता है, तो है तो संसार में ही, लेकिन पाता क्या है, मिलता क्या है,
ये देख हमें अपने आप से परखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, या बाहरी कर्मों में उलझ रहे हैं, बाहरी दुनिया में उलझ रहे हैं। बोले भजन था उलझ मत पा, उसमें क्या है, ये सब धोखा है, ये सारा संसार धोखा है, इसमें उलझो नहीं, इसमें फंसो नहीं। भगवान में फंसोगे तो मुक्ति है, भगवान में उलझोगे, भगवान में लगोगे तो अंत में निष्कर्ष भगवान जरूर मिलेगा। गन्ने के रस को निचोड़ोगे तो गन्ना मिलेगा, अभी ईख को निचोड़ोगे तो गन्ना नहीं मिलेगा, वो क्या है, नीम को निचोड़ो, नीम का भी रस निकालो और गन्ने का भी रस निकालो, मीठा कौन सा होगा, गन्ने का रस होगा, है दोनों में रस, संसार में रस है तो भगवान में परम रस है, आनंद का रस है। भगवान के आनंद का रस क्यों नहीं चख पाता है, क्योंकि अंदर में दूसरा रस भरा पड़ा है। भगवान के रस को कीमत दो, महत्व दो, भगवान के रस से जुड़ो। जब भगवान के रस से जुड़ोगे तो वो रस मिठास देगा, वो रस छूटेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि भगवान हमेशा रहने वाला है। भगवान ने जगत का निर्माण किया, उसको छोड़ा नहीं, उसी में समाहित रहा। तो जब भगवान पालोगे तो उसी से आराम आ जाएगा। और जब तक मन पूरी तरह से भगवान से नहीं जुड़ता है, बोला भगवान कहते थे कि नित्य अभ्यास नित्य बहरा करो, क्यों, क्योंकि मन खिर-खिर भूलन आ रहा है। वेद ने भूल के सिद्धांत को तो माना है, लेकिन अभ्यास का सिद्धांत भी दिया है, अभ्यास करो, क्योंकि मन अगर खिन-खिन भूलन आ रहा है तो उसको हर पल जगाओ, हर पल जगाओ और देखो, देखो और दिखाओ क्या कर रहे मन, रे मन तू क्या कर रहा है, कहाँ भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, अंदर में आ जाओ। बाहर में बहुत शोर है, बाहर में बहुत तकलीफें हैं, बाहर में बिल्कुल आराम नहीं है, लेकिन अंदर में बहुत आराम है। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। बोला ज्ञान की ज्योति अगर जलानी है तो व्रतियों को अंतर्मुखी करना पड़ेगा, व्रतियों को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ोगे भगवान से तब आनंद पाओगे। भगवान ने ऐसा नहीं है हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे तो भगवान हमको छोड़ देगा, लेकिन जो अभी इस समय का सुख है वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने मन ही नहीं लगाया है। हम अपने मन को सुख तो पाएगा, स्थूल सुख मिलता है, साधन मिलता है तो सुख मिलता है, लेकिन साधन में जो सुख मिलता है वो क्षण भंगुर है, क्योंकि साधन ही क्षण भंगुर है। भगवान में जो सुख मिलता है वो स्थाई है, क्योंकि भगवान स्थाई है। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करें, भगवान में मन लगा के स्थाई सुख को पाए कि क्षण भंगुर सुखों में अपने टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि जीवन तो पूरा पल दो पल की सांसें हैं, पल दो पल का जीवन है, अभी है, एक मिनट बाद क्या होगा हम नहीं जानते, हमको हम नहीं पता, हमें नहीं पता एक मिनट के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जानते। अभी हम कर पा रहे हैं तो हम भजन करें, भगवान से जुड़े, भगवान का ध्यान करें, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे जरूरी है, हमारे लिए सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम उपाय है मन को भगवान में लगाना। श्री चरणों में भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना, स्मरण करो, ध्यान करो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, श्रद्धा मूलम गुरु प्रभु। बोला ध्यान का मूल क्या है, गुरु की मूर्ति है, और गुरु की मूर्ति में क्या है, गुरु के चरण है। बोला श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गुरु के चरण के जो नाखून है वो उसमें मणियों जैसी ज्योति है, जिसका स्मरण करते ही हमारे अंदर का अज्ञान सब मिट जाता है, हमको हमको बहुत हमको दिव्य दृष्टि मिलता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। क्या मिलती है कि मन भगवान के स्वरूप को पा लेता है। हमने जब चरण वंदन किया, हमने जब शीश झुकाया भगवान के चरणों में,
भगवान का ध्यान किया तो ध्यान में हमारे क्या आया, पूरा स्वरूप भगवान का आया। भगवान का स्वरूप ध्यान करने के लिए चरण का वंदन किया, आंखें नीची किया, नतमस्तक किया, न संसार देखा न कुछ देखा। दर्शन में क्या आया, भगवान आया। दृष्टि में क्या आया, भगवान आया। दृश्य में क्या आया, भगवान आया। और क्या देखा, कुछ नहीं देखा। जब कुछ नहीं देखा तो किसी भी भगवान ने, जब भगवान का लाभ दरबार, भगवान बैठे हैं, भगवान बैठे थे तो क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और ये सब मेरी माया है। जो जगत भगवान ने बनाया उसको ब्रह्म ने बनाया, ब्रह्म की सृष्टि है लेकिन नाश होने वाली है, छूटने वाली है। बहुत अच्छा भी है, एक मिनट बाद बदल जाएगा। तो जो मिनट है उस मिनट में भगवान का सुख ले लो। उस मिनट का सदुपयोग ये है, उस साथ का सदुपयोग ये है कि उससे जुड़ के आनंद पालो, क्योंकि आनंद स्थाई है, हमेशा रहने वाला आनंद है। बाकी तो ये संसार है, बदल जाता है, बदलने वाला है। जो मन के जोड़ को भगवान में जोड़ो, हमारा ज्ञान कहता है कि जब मन भगवान में लगता है तो धीरे 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 करके जगत छूटता जाता है, मैं छूट जाता है, संसार की पकड़ छूट जाती है, सब छूट जाता है। तो क्या हम अकेले हो जाते हैं? नहीं, हमारे साथ भगवान होता है। भगवान मजबूत पकड़ को पकड़ लिया तो हाथ में क्या आएगा, जिसको पकड़ा है वही हाथ में। हमने क्या पकड़ा, हमने अपने मन से क्या पकड़ा है, हमने अपने ध्यान में क्या लिया है? अगर भगवान को लिया है तो हम आनंद में होंगे, शांत में होंगे। बोला साधो चुप का है संसारा, चुप में कर दीदा जगत सब। बोला चुप, जो सृजनहारा है, जो भगवान है वो चुप है। वो कुछ नहीं कहता है लेकिन सब कुछ का दाता भगवान है, जो स्रोत है वो भगवान है। तो हमको क्या क्या करना चाहिए, बाहरी में नहीं अंदर में उतरना चाहिए, अंदर में गुता लगा, अपने अंदर जाओ। समाधि कब लगती है, समाधि क्या होती है, जब बाहरी पकड़ छूट के अंदर आत्मा में स्थित होता है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। जब मन की दौड़ शांत होती है, मन विश्राम में आ जाता है, आराम में आ जाता है, कहीं नहीं जाता है। एक जैसे दिए की लौ स्थिर जलती है, जिसको हवा नहीं लगती है, बाहरी हवाओं के प्रभाव से बचा हुआ जो दिया होता है उसकी लौ कैसे जलती है, स्थिर जलती है। हवा लगती है तो जो तपी जलती है, लेकिन कैसे जलती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है। बुझ जाएगी का कोई गारंटी नहीं होती कि कौन सी हवा का झोंका आएगा जो बुझा देगा लौ को। ऐसे ही संसार है, ऐसे हवा वाले संसार में हम बैठे हैं और हमारे मन की ज्योत ध्यान जो है वो स्थिर रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस जो हवा आ रही है उसको अपने ध्यान पर लगने नहीं देना, उसको बचा के रखना। साधना यही तो है कि हम रह रहे हैं, मैं हूँ संसार के हाथों में, प्रभु संसार तुम्हारे हाथों में, भगवान जगत तो तुम्हारे हाथ में है, हम संसार के हाथ में हैं। हम बच कब पाएंगे, जब हम भगवान के हाथ में चले जाएंगे, भगवान के साय में चले जाएंगे, भगवान की पकड़ में चले जाएंगे, तब हम सुरक्षित और रक्षित हो जाएंगे, भगवान से सुरक्षित हो जाएंगे। और भगवान जिसको अपने साय में ले लेगा तो उसकी उसका उसको दुख देने वाला, उसको उसके सुखों को कम करने वाला कौन है? आनंद हम अपना न छोड़े, अपना मन भगवान में रखें, फिर क्या कोई हमारा आनंद छीन सकता है, हमारा सुख ले सकता है? इसलिए स्थाई आनंद के, अभी जो कीमती सामान होता है उसको कहाँ रखते हो, तिजोरी में रखते हो, उसकी चाबी भी ऐसे रखते हो कि किसी को न मिल जाए क्योंकि वो चोरी हो जाएगा। हमारा भगवान, हमारा ज्ञान, हमारा भगवान ने जो आपको दिया है उसको कैसे रखना चाहिए, उसको कहाँ रखना चाहिए,
ऐसे कोने में रखो, ऐसे हृदय के ऐसे अंदर रखो कि किसी को भी पता न चले। तुम्हारा आनंद तुम्हारे साथ, तुम्हारी शांति तुम्हारे साथ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ, सुरक्षित अंदर में भगवान से जुड़ के अंतर्मुखी वृत्तियों को बनाना चाहिए। वृत्तियां अंतर्मुखी होंगी तो भरपूरता होगी, तृप्ति होगी, बहुत 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 आराम होता है जब मन भगवान से जुड़ता है। जब बोला जब स्वाद जो है बहुत रस रस से सिक्त होता है, रस में लिप्त होता है, तो भिन्न भिन्न स्वाद होता है। लेकिन जब बेस्वाद का स्वाद मिल जाए, जब अंदर से आराम आ जाए, जब अंदर से मन भगवान में लग जाए, उस स्थिति में जो है वो स्थायी होता है। क्योंकि रस तो थोड़ी देर के हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है, हमेशा रहने वाला क्या है, जो बेस्वाद का स्वाद है, जो खाली का स्वाद है, जो बाहर से नहीं अंदर से आने वाला स्वाद है, जो बोला घड़े में रस है लेकिन घड़ा रस नहीं है, घड़े के अंदर रस है, भगवान भगवान है, भगवान का रस है, तो भगवान के रस से जुड़ो तो मन बाहरी और भटकन से बच जाए। बाहरी और बहुत से रुकावटें हैं जिनकी वजह से मन ध्यान में नहीं लगता है, जिनकी वजह से अंदर में जागृति आती है, वो सब शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा, आराम हो जाएगा। अपने आप को भगवान में जोड़ो, अपने आप को तत्व से जोड़ो। तत्व जो है वो स्थाई है, आत्मा। बोला मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, तू आत्मा है। मैं सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु का देह। अब देह कीमती लगता है तो हमारा जो वजूद है, हमारा जो मैं है, वो भगवान की मैं में विलीन हो गया है नहीं बचा नहीं। तो जब उस तो जो गुरु का देह है उसकी कैसे रक्षा करोगे, उसकी कैसे, उसको कैसे देखभाल करोगे, उसमें कैसे किस किस तरह से उसको उसके साथ व्यवहार करोगे। भगवान जान के मन कर्म से अकर्म में चला जाता है, क्रिया से अक्रिय निष्क्रियता में चला जाता है, करूंगा नहीं करूंगा से परे एक विश्राम की स्थिति है, दोनों से ऊपर है, तेरी मर्जी, जो तुझ भावे साई अधिकार। भगवान जो तुमको भावे तुमको करना। तो कितना बुद्धि को कितना आराम है, हृदय को कितना आराम है, जो ज्ञान है उस ज्ञान में मन को लगाने में कितना आराम है। भटकन, सारा संसार भटक रहा है, भटका रहा है। गुरु क्या करता है, गुरु हमारे ऊपर विराम लगा देता है, हमारी दौड़ को शांत कर देता है। कहाँ जाओगे, क्या करोगे, शांत हो जाओ, जो कुछ भी है भगवान पर अर्पण करोगे, जिससे मन को दुख मिलता है, जिसकी अपेक्षा से मन भागता है, दोनों में एक विश्राम विराम तब लगेगा जब भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो विधि को बनाने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, जैसे भगवान रखता है वैसे रह के शुक्राने में आराम में रहोगे। हर अवस्था में आराम में रहा जा सकता है, कब, जबकि मन भगवान की मर्जी में रहता, भगवान के ध्यान में रहता है, भगवान से जुड़ के रहता है। अभ्यास क्या करना है, अपने मन को भगवान में जोड़ने का प्रयास करना है। हमारी कोशिश साधनों की नहीं होती है, हमारी दौड़ संसार की नहीं होती है, हमारी दौड़ अंदर की होती है कि हमारी शांति बनी रहे, हमारा मन आराम में रहे, हमारा चित्त
भगवान से जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ के अंदर में उतर जाता है। तेरे अंदर माल खजाना ना जाए ढूंढे न देश बिहार। साधनों के लिए ही तो भटकते थे, इच्छाओं के लिए ही तो भटकते थे। पालना भगवान करता है, जुगाड़ हम करते हैं। हमारा जुगाड़ किसका होता, हमारी कोशिश किसका होती है। मर्जी तो भगवान की पूरी होती है, जो तुझ भावे सही फलिकार। हमारा प्रयास तो निष्फल चला गया ना। उस समय में अगर हमने भगवान का स्मरण किया होता तो ज्यादा अच्छा था। तो हाथ हज में दिल यार में, बोला हाथ कर्म में रखो, वो भी भगवान की मर्जी से जो कर्म कर हो रहा है, भगवान करा रहा है वो करो। लेकिन दिल कहाँ रखो, कर्म में नहीं भगवान में रखो। तो जब बोले भगवान में ध्यान रखोगे तुम किसी भी अवस्था में रहोगे, तो बोला फिर दीदार में देर नहीं, भगवान के मिलने में कोई देर नहीं है, क्योंकि कर्म में ही फिर भगवान निकल आता है। जहां बैठे हो वही भगवान आ जाता है। तो सुमिरन क्या कर रहे हैं, जुड़ कहाँ रहे हैं, जरा इस पर भी विचार कर लेना, जरा इसको भी सोच लेना। ये हम बोला निकले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, क्या करने लगे, क्या चाहिए था और कहाँ दौड़ लगा दिया। दौड़ जब शांत होगी, जब विराम लगेगा, तब विश्राम आएगा। हम विश्राम सब चाहते हैं, दौड़ को विराम नहीं देते। बस थोड़ा सा इस पर विचार कर लेना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, नहीं जानते क्या कहें। चुप चुप हो जाते, भगवान में अपने मन को भगवान में लगा देते, अंतर्मुखी हो जाते। क्योंकि हमको तो आराम चाहिए, हमको तो विश्राम चाहिए। बाहर ये करने नहीं आए थे, बाहर की दौड़ करने नहीं आए थे। सारी जगह दुनिया का सब छोड़ा भगवान के लिए यहाँ आके फिर फंसे लोभ में, लालच में, इच्छा में, इसमें उसमें, मैं में, मेरे में, मान में, सम्मान में, अपमान में, इसी में लगे रहे। इससे क्या मिला, पहले क्या मिला था, अब क्या मिलेगा। भगवान से जुड़ो, गुरु से जुड़ो और गुरु में अपने आप को निछावर कर, मैं समर्पित हो जाओ। नारियल का गोला साबुत लेके आए, साबुत लेके वापस चले, अहंकार का शीश लाए और अहंकार का शीश लेके चलेगा। नतमस्तक तो हुआ ही नहीं, बोला तो फूटे ही नहीं, रस कैसे मिलेगा। गोला फूटेगा तब रस मिलेगा, ऐसे ही मैं का गोला फूटेगा तब आनंद का रस मिलेगा। आनंद का रस क्यों नहीं मिलता है, कि मैं का गोला फूटता नहीं है। बस कृपा करके गुरु हमारी मैं को मैं ना कर दे। जो भगवान को अपने आप को समर्पित करता है, उसी को भगवान मैं ना करता है। ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन समर्पित था भगवान। दुर्योधन को क्यों नहीं दिया, ज्ञान तो दे रहे थे, सबको बैठ के खोल के दे देते, बोलते महाभारत की लड़ाई ना होती। लेकिन मैं अर्पित नहीं किया तो सुनने सुनने के कान ही नहीं, सुन ही नहीं सकता था। जो सुनेगा उसी को तो सुनाया जाएगा। भगवान तो व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सबको अपने कंट्रोल में कर सकता है, करता भी है। लेकिन वक्त जब समझाता है तो बड़े कठिन अड़क से समझाता है। गुरु जो समझाता है वो सहज में योग लगा देता है। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, भगवान ने सहज में भगवान में मन लगाने की कला सिखाई। जो मंत्र है, मंत्र में ताकत किस चीज की है, भाव की। शिवोहम का मंत्र जपाया, जो भगवान है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा स्वरूप कोई और नहीं है, तुम कोई और नहीं हो, भगवान कोई जुदा नहीं है, एक है, एक सीमा में है, एक व्यापक है। जो व्यापक है वो भगवान कहा गया, जो सीमा में है वो मैं बन गया। ये मैं जब विलय होता है तो जो व्यापक है वो व्यापक उस मैं की जगह को अपने में समेट लेता है, अपने में मिला लेता है, एक कर देता है। तो जब तुम सिमट जाते हो, जब तुम भगवान में समर्पित हो जाते हो,
जब तुम भगवान में समाहित हो जाते हो तो क्या बचता है, क्या रहता है, क्या दिखता है? वही वही दिखता है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही नमो, आपा चीना मिट गया, जित देखा तर देखता हो, भगवान ही भगवान दिखाई। भगवान अपनी छवि से हमको भर देता है, तृप्त कर देता है। तृप्ति कहाँ से आती है? इच्छाओं के पूरे होने से तृप्ति नहीं आती है, भगवान की कृपा से तृप्ति आती है, भगवान की कृपा से भगवान बसता है। इसलिए अपने आप को अपने मन को भगवान में जोड़ के एकाकार हो जाए तो ये तो है। कुछ किसी को कहना हो तो कहो। हमारे बताओ, कोई भी कुछ कहना चाहे तो कहो। बात हमारी गलत है कि सही है ये बता दो। 100% राइट और बहुत अच्छी सही बात, बिल्कुल राइट, बहुत ही अच्छी। लेकिन दुनिया की लीक से हट के बात थी हमारी, जैसी जैसी समझ है वैसी बात नहीं है, पचने वाली नहीं है, अपच वाली है, पचने वाली है नहीं पचने वाली, पाचक है, पाचक है बहुत अच्छी लगी बस दूर अखियां खोल जरा, नहीं नहीं दे नहीं दूर अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर अखियां खोल जरा, तब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा, नहीं रे नहीं गो अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर अखियां खोल जरा, फूल बास मुख दर पर न्याई व्यापरा, सब घट घट माही, फूल बास मुख दर पर न्याई व्यापरा, सब घट घट माही, मैं मेरे कर दूर अखियां खोल जरा, मैं मेरे कर दूर अखियां खोल जरा, नहीं मेरे नहीं दूर अखियां खोल जरा, जो का त्यों भर दूर अखियां खोल जरा, तब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा, जो पत्थर में आग समाए बिन पुरुषार्थ नजर न आए, जो पत्थर में आग समाए बिन पुरुषार्थ नजर न आए, हर बेले भरपूर अखियां खोल जरा, हर बेले भरपूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा, नहीं नियरे नहीं दूर अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर अखियां खोल जरा, मैनू मार झुकावे जेरा, साफ करे इस दिल दा डेरा, मैनू मार झुकावे जेरा, साफ करे इस दिल दा डेरा, कहो गुरु गुरु
रब नहीं बस दादो अखियां खोल जरा, नहीं नियरे नहीं दो अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर अखियां खोल जरा, बिन सत्संग मिले नहीं मार, सतगुरु कहंदे को है सार, बिन सत्संग मिले नहीं मार, सतगुरु कहंदे को है सार, सत्संग करो जरूर अखियां खोल जरा, सत्संग करो जरूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दादो अखियां खोल जरा, नहीं नियरे नहीं दो अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दादो अखियां खोल जरा, बिन सत्संग न सो जी पावे, सतगुरु बिन रात न आवे, बिन सत्संग न सो जी पावे, सतगुरु बिन रात न आवे, ऐ गल बड़ी मशहूर अखियां खोल जरा, ऐ गल बड़ी मशहूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दादो अखियां खोल जरा, नहीं नियरे नहीं दो अखियां खोल जरा, ज्यो का त्यों भरपूर अखियां खोल जरा, सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे, सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे, प्रगट होवे नूर अखियां खोल जरा, प्रगट होवे नूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दादो अखियां खोल जरा, नहीं नियरे नहीं दो अखियां खोल जरा, ज्यो का त्यों भरपूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दादो अभी दीदी ने एक सवाल पूछा था कि मैंने पचने वाला ज्ञान नहीं दिया है ना, तो आप देखिए जैसा खाना हम रोज खाएंगे, जैसे कम उबले हुए चने हम रोज खाएंगे तो धीरे धीरे पाचन शक्ति तो मजबूत हो ही जाएगी, है कि नहीं, और जैसे कभी कभी खिलाएंगे तो फिर तो पेट खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्या कम उबला चना खाया है? नहीं, आप रोज खिलाइए तो हम लोग की पाचन शक्ति मजबूत हो, और कभी कभी खिलाएंगे तो फिर तो गोली खानी पड़ेगी। तो गोली खाइए। तो नहीं नहीं, हम नहीं खाना चाह रहे ना, हम चाह रहे हैं कि पाचन शक्ति मजबूत हो जाए। आप रोज ज्ञान दीजिए, सुबह शाम जैसा जैसा होगा तो फिर मजबूत हो जाएगी हमारी। जय गुरु जय और किसका?
अंदर में उतर जाइए, डोज अपने आप मिल जाएगी। भगवान की डोज जो है वो भीतर में उतरने से मिलती है। जब जिज्ञासा बढ़ेगी ना तो भगवान अपने आप रास्ता बना देते। जब हम भगवान को पाना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बनाए थोड़ी जाते हैं। हमारा बनाया हुआ रास्ता नहीं होता है, भगवान की मर्जी से भगवान रास्ता दे देता है। हम पा लेते हैं तो हम बस उस मर्जी की गुहार करें, भगवान से चाहत जगाए अंदर में, भूख जगाए अंदर में, तृप्ति भगवान देता है, भूख हमारे अंदर में जागे, पेट भर जाएगा, आराम आ जाएगा। भगवान से ही तो आराम आता है। अपने अंदर की जिज्ञासा को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर की प्यास को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर की भूख को जगाना पड़ेगा। भूख बहुत साधनों से सो जाती, कम हो जाती है। बहुत जगह से हम तृप्ति लेते हैं, बहुत जगह से हम सुख लेते हैं तो प्यास कम हो जाती है। जब प्यास जगती है तो कोई ताकत नहीं है जो मिलने से रोक सके, भूख को तृप्त होने से रोक सके। जब हम बोला ये हमने अंतर्मुखी होने का व्रत ले लिया है, यदि हमने भगवान से जुड़ने का मन बना लिया है तो फिर भगवान से जोड़ने का उपाय भगवान कर देता है। कैसा भगवान ने अच्छा सत्संग रखा है, कैसा कृपा है भगवान की, जो हम अनायास भगवान से जुड़ सकते हैं, जुड़ते हैं, बड़ी कृपा है भगवान। ऐसे ही लगते लगते होते होते परिमार्जित हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है। कोई भी चीज को पकाना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको जैसे रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। बहुत कड़ा अमरूद भी हो रख दो, चार दिन बाद अपने आप ब्लैक पड़ जाता है। ऐसे ही मन भी है, जब भगवान में लगाया जाता है तो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन लगते लगते आराम वाला हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मन अमन हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत पद में स्थित हो जाता है, क्योंकि ये हमारा निज है। आत्मा पद हमारा बाहर की मिली हुई कुर्सी नहीं है, आत्म पद हमारी अपनी निज का स्वरूप है। उस स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं, उस स्वरूप में जब हम विराजमान हो जाते हैं तो वो हमसे फिर छूटता नहीं है, क्योंकि हम ही बैठ नहीं पाते हैं इसलिए हमको लगता है कि छूट जाएगा, छूटने वाला, जैसे जगत छूटने वाला है वैसे ही कुर्सी भी छूट जाएगी। आत्म पद किसी भी अवस्था में नहीं छूटता है, हम कुछ भी करते हो वो पद वही वैसे ही रहता है। हम उसमें ध्यान लगा सके, हम उससे जुड़ सके, बाहर से अंदर में आ सके, बाहर की जागृति से विराम लगा सके, बाहर की जागृति से मन को जोड़ सके तो हम आराम ध्यान जाए। आराम तो हमको अंदर में जाने से ही मिलेगा, भगवान से जुड़ने से ही मिलेगा। कोशिश हमको ये करनी है कि हम जैसे वो होम्योपैथिक दवा दी जाती है, छोटी सी गोली होती है, मीठी मीठी होती है, कहते ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये सब कुछ ना खाओ नहीं तो असर नहीं करेगा, है ना। ऐसे ही भगवान भी है, भगवान ऐसा मीठा मीठा बहुत है, अच्छा बहुत है, लेकिन जब हम जैसा चाहता है भगवान वैसा जीवन अपना नहीं बना पाते हैं तो उसका असर कम होता जाता है। हम उसके प्रभाव से, वो असरदार है लेकिन हम प्रभावित नहीं हो पाते हैं, हम डूब नहीं पाते हैं उस असर में, क्योंकि हमने जैसा कहा आचार, जैसा कहा विचार, जैसा कहा रहन सहन, वैसा नहीं बना पाते हैं। गुरुमुख क्या करता है, गुरु क्या करता है, बोला हलत और चलत दोनों संभालता है, हमारी स्थिति भी संभालता है और हमारी अवस्था भी संभालता है, हमारी चाल भी देखता है और हमारा
मन की दौड़ को भी शांत करता। अब क्या शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन मन की दौड़ शांत ना हो तो क्या करे। जो 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 ज्ञान की जो 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 गुरु ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में अपने मन को डुबाना पड़ेगा, उस ज्ञान में अपने मन को लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसका मनन करना पड़ेगा। जब हम उसका मनन करेंगे तो वो पीरियड है मनन का जो हमको लगता है कि हमको नहीं मिलता है, या हमारा हमारी डोज कम हो गई है, डोज नहीं कम होती है, कभी कभी हफ्ते की दवाई दी जाती है, कभी कभी कहा जाता है 15 दिन में एक बार खाओ, कभी कहा जाता है महीने में एक बार खाओ, लेकिन महीने में एक बार खाओ लेकिन परहेज उसके उसी दवा के हिसाब से करो तो दवा असर बनाएगी। ताकत ज्यादा पावर की डोज होती है तो मात्रा कम दी जाती है। जब तो इसी तरह से भगवान की भर्ती है, भगवान चाहता है जैसा चाहता है, जैसा रखता है वैसा रहता है, करने वाला नहीं है भगवान, कराने वाला है, सबसे कराता है। करण करा बना पया, मनुष्य के कुछ नहीं है, हाथ में मनुष्य के कुछ भी नहीं है, लेकिन कराता है वो मनुष्य से ही, कराता तो तुम्हारा हमारे आपसे ही कराता है, लेकिन करने वाला कौन है? भगवान है। मर्जी किसकी चलती है? भगवान की चलती है। इच्छा किसकी चलती है? भगवान की चलती है। जब भगवान की मर्जी होती है तो सारी सुविधाएं सब दाहिने हो जाती है। तो हमको अब हमें क्या करना है, उसके हिसाब से जो ज्ञान दिया है उसके हिसाब से आचरण करना है। आराम कब आएगा? जब हम उसके हिसाब से आचरण करेंगे, जब हम मन को भगवान के ज्ञान के हिसाब से मन को चलाएंगे, चलत भी संभालेंगे, व्यवहार भी संभालेंगे, अपने आप को भगवान में ढालेंगे। शब्द भगवान ने दिया, ज्ञान भगवान ने दिया, उस ज्ञान को धारण तो करना पड़ेगा, उस ज्ञान में स्थित तो होना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से मन की दौड़ को शांत तो करना पड़ेगा ना। जब मन की दौड़ शांत हो जाएगी, जब मन विराम में आ जाएगा, तो आपको भरपूरता लगेगी। भरपूरता भगवान का ज्ञान तो तृप्तिदायक है, भगवान का ज्ञान तो आनंददायक है। उस ज्ञान में डूबने के बाद फिर टाइम ही नहीं बचता है, उसी में ही तो रमा रहता है, उसमें रम के उसमय हो जाता है, हम भगवान में रम जाए, भगवान में रम के भगवान मय हो जाए, डूब जाओ अंदर में, बड़ा आराम आ जाएगा। एक चीज है, हाँ बता, कि हो सकता हमारी सुनने का दोष हो, हमारे विचार का दोष हो, या जो भी हो, पर किस मन में कोई बात अगर चले तो उसको खोल देना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए, आगे नहीं बढ़ता। तो चूंकि हम सब तो एक गुरु जी के माला में हैं, तो यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि वो अलग है या हम अलग है या वो हम है या हम है, या तो जब सत्संग में तो सब हम तो गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, उनकी माला में है। हमें कभी हमें ऐसा महसूस हुआ जो हम बोल रहे हैं कि जैसे हम गुरु जी कभी इतने सालों से ज्ञान बोलते रहे, कभी ऐसा तो गुरु जी ने नहीं पूछा किसी से कि क्यों भाई हमने कैसा कहा, ठीक कहा कि नहीं कहा, क्योंकि उनको कोई इच्छा ही नहीं थी कोई हमको अच्छा कहे या नहीं, नहीं कहे। सब ये बात नहीं है, एक मिनट हम पूरी बात बोल रहे हैं। अभी दीदी ने बोला तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ, हम बोलना तो हमें चाहिए क्योंकि रखना नहीं चाहिए चाहे किसी की बात हो, रख के वो दिक्कत करती है, तो हमको ऐसा क्यों लगा या लगा, गलत लगा या सही लगा या नहीं लगना चाहिए, जो भी है आप उसको हल कीजिए। कि जैसे अभी आपने कहा हाँ भाई हमने कैसा कहा, तो किसी किसी की इच्छा होती है कि हमारी बात को चार लोग कहे हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, कौन ये कह सकेगा कि नहीं गलत नहीं कहा, ये सही नहीं कहा, ये सही नहीं कहा, क्योंकि सब रिगार्ड करेंगे। पर ये क्या इच्छा तो नहीं हमारे अंदर आ गई कि हमारी बात को सब सपोर्ट करें, हाँ हाँ अच्छा कहा अच्छा कहा, ऐसा हमारे मन में आया? अगर हमें कहा गलत तो उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन ये मन में हमारे आया तो हमने रख दिया। अच्छा अब हम बताएं जो कहने का जो उद्देश्य था दीदी, हम बताएं दीदी,
क्योंकि क्योंकि जो बोला उसमें उसी समय कुछ बात हुई थी, हमें ध्यान नहीं समय बात रुक गई थी आप, उसके बाद बात हुई थी कुछ, तो हमने कहा था शायद, हाँ हमने ही बोला था कि बहुत अच्छा लगा और हाँ। बहुत बहुत ज्यादा कुछ हमने बोला था, याद नहीं क्या बोला, तो उसमें ही जो है आपने प्रश्न किया था कि पचा अपच हुआ या पचा है ना, तो वो जो बोला था, वो जो ज्ञान बोला था उसी के विषय में ही ये बात पूछी गई थी प्रश्न, यहाँ पे रिगार्ड्स के लिए नहीं किया गया था ये प्रश्न भैया कि कोई हमारी ये पचा और ना पचा वाली तो बात में आई थी, लेकिन पहले ये कहा था उन्होंने तब हमारे मन में आया वो यही बात थी, वो उसी बात हमारे मन में थी, हमारे मन में ये आया कि भाई चार भाई देखिए हम गलत वे में नहीं बोल रहे हैं, अच्छे वे में बोल रहे हैं, हम भी उसी में बता रहे हैं, हमारे में इच्छा है कि हमने जो बोला सब लोग अच्छा अच्छा करें, किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती कि कह दे गलत बोला है, पहली बात तो ये, लेकिन उसके बाद भी हम ये रख रहे क्योंकि हमारे मन में आ गया तो हमने रख दिया, नहीं नहीं वही आपसे बता रहे उसी का जवाब दे रहे हैं कि ये जो रिगार्ड्स के वे में नहीं था कि हमको कोई जाने कि हमने सही बोला, ये बात शायद कहीं कल परसों के ज्ञान से संबंधित थी है ना, ये उससे संबंधित थी, बेशक पर्दे पे नहीं थी दीदी, बट थोड़ा थोड़ा तो कहीं सुनना भी हो रहा होगा, हमने तो कुछ नहीं सुना था, तीन दिन से तो हम बिल्कुल सत्संग सुने ही नहीं थे, तुम्हारा तो भाई क्या बात हुई हमको नहीं पता है दीदी, मुझे तो लगा हमने भजन भी इसीलिए गाया, हम भी जो है ना बहुत जैसे कहना चाहिए कि हमें भी सच में मजा आता है, सच में ही आनंद आता है ना, थोड़ा वैसा देखते हैं तो क्या करते हैं बचा लेंगे, क्योंकि गुरु जी ने ज्ञान बताया है। बात बताएं, हमारा जो ज्ञान बात थी वो ये थी कि एक तरफ है और एक तरफ सूक्ष्म है, स्थूल ज्ञान तो हम सब बहुत जानते हैं लेकिन सूक्ष्म से जुड़ नहीं पाते, हम चाहते थे बताना, मेरा जो उद्देश्य मंतव्य था वो ये था कि स्थूल मिले मिलता है, स्थूल से हम जुड़ते हैं लेकिन हम सूक्ष्म में खड़े होते हैं, सूक्ष्म को अगर हम अंदर नहीं उतर पाएंगे तो वो लाभ हमें नहीं मिलेगा, तो ये लीक से अपच तो नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान तो बहुत सही था, बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल अंदर तक गया, अंदर की बातें भी खुली, भगवान प्रकट हुआ, हमको तो ये लगा कि हमको भी अच्छा तो लगा, लेकिन हमारे मन में ये आया नहीं, हमको भी अच्छा तो बहुत लगा, अच्छा लगता ही है, गुरु जी समय से बोल रही पसंद आता है, कई बार हम सुनते भी हैं गाड़ी में तो इनकी आवाज आती है तो बहुत ध्यान सुनते हैं और कई बार उसको टेप भी कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी है, वो तो गुरु जी का ज्ञान चाहे कोई बोले, लेकिन जैसे कैसा लगा हमारे मन में आया कि ये इच्छा तो नहीं है कि कोई लोग बोले, यही लगा इसी को कहते स्थूल बात थी, उसमें जो उन्होंने बोला हमें तो लगा कि बिल्कुल सच बता रहे हैं कि एक एक बात का जवाब बहुत ही सुचारू रूप से बड़े कायदे से दिया गया कि इस तरह से भक्त को कैसे क्या है ना, वो सारा जैसे खोल के दीदी ने बोला, तो बहुत सही कह रही है, बहुत अच्छा बोला, हमको बहुत पसंद आया, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी अपने अंदर की इच्छा जो होती है वो हम नहीं समझते, उसे समझ में आ जाती है, तो कहीं इच्छा तो नहीं आ गई कि हमको लोग कहे अच्छा बोला अच्छा बोला, ब्रह्म ज्ञानी अभी नहीं ऐसा सोचता है कि हमारी जय हो ये हो वो ये सब बातें, हाँ क्या बोल रहे हैं गिनु भाई, मैं एक बात बोल रही थी, मेरा तो मन में विचार ये आता है कि जब कोई ज्ञान दे रहा है तो वो उस गद्दी पे बैठा है, अब दूसरा ये रहता है कि गुरु जी हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें वो भक्ति से ले लेना चाहिए, उस पे ना हमें कोई वो करना है संशय, ना हमको ये स्थूल पता है ना सूक्ष्म पता है,
और ये हमें भी कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लगा, नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बुरा लगा, कुछ नहीं, वो ज्ञान दे रहे हैं हमें, दे रहे हैं, हम ऐसा बोल भी नहीं सकते। देखिए बीनू भाभी, अब बात सुनिए आप पहले, बस जब कोई गद्दी पे दे रहा है तो उसको बस, नहीं 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 नहीं, यहाँ हमारी बात आप समझिए, गुरुमुख है, गुरुमुख से बोल रहे हैं बस, एक्सेप्ट आप हमारा, ये यू कुड नॉट टेक माय पॉइंट, यू कुड नॉट टेक माय पॉइंट, ठीक है उस पे हम लोग को, अब गुरुजी अगर आज शरीर में होते सही में, ऐसा नहीं बोलते, आपसे डिसएग्री, हम आपसे डिसएग्री इसलिए है कि आप, मेरी भक्ति तो बिल्कुल वो रहती कि आंख बंद करके होती, नहीं, नहीं, वो नहीं, उस गद्दी पे बैठे हैं आके, कुर्सी तो हम जानते हैं आपके बारे में, हमें ये लगता है, हम जानते हैं ये तो, लेकिन एक बात सुनिए हमारी, ये जो आप बोल रही है ये इस समय तर्क संगत में ही जो आप बोल रही है, नहीं नहीं मुझे तो अपनी फीलिंग बता रहे हैं, मैं अपनी फीलिंग, यहाँ फीलिंग बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पॉइंट दूसरा है जो आप समझ नहीं पा रही है, दूसरी बात बोल रही है, हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने बोला बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा लगा, अंदर तक गया, और पचने की बात जहां तक है, यही असली ज्ञान है जो बोला, खाली भजन वजन ज्ञान नहीं है, और गद्दी पे बैठ के जो बोल रहा है वो हमारे लिए गुरुजी की वाणी आ रही है, यहाँ सुनीता दीदी नहीं बोल रही है, लता दीदी नहीं बोल रही है, तो जो आप ये बात बोल रही है इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं जो बोल रही है आप, हमने पॉइंट दूसरा रखा कि कहीं ये इच्छा हमारे अंदर आ गई जो हमको नहीं पता है, सामने दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है कि जो गद्दी पे बैठा बोल रहा है मेरा गुरु है और मेरे भगवान जी है, भगवान नहीं, नहीं, नहीं हम यू आर नॉट टेकिंग माई पॉइंट, नॉट एट ऑल, आप जो बोल रही है वो आप बोल चुके हैं कि जो गद्दी पे बोल रहा है वो भगवान जी बोल रहे हैं, चाहे लता दीदी हो, चाहे सुनीता दीदी हो, चाहे इवन आप बोल रही हो, तो भी वो गुरुजी की आवाज है, हमारे लिए निकल रही है, ये पॉइंट ही नहीं है, आपने पॉइंट लिया ही नहीं, आपको तो खाली बोलना था तो इसलिए आपने ऐसा बोल दिया, नहीं नहीं कीजिए, मैं पॉइंट दूसरा बोल रहा हूँ, नहीं 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 पता नहीं आप, आपको हम समझा देंगे बात अलग में, समझा देंगे अगर नहीं समझा रहा है तो, पॉइंट ये नहीं है कि जो बोल रहा है वो कौन है, जो बोल रहा है वो कोई शख्स नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई भक्त नहीं है, उसके अंदर से जो वाणी आ रही है वो गुरुजी के द्वारा आ रही है, जब हमने ये बात रखी तो पहले गुरुजी से बोल दिया फोटो पे कि भगवान ये मन में शंका है, रखे कि ना रखे, तो हमको आया कि हाँ शंका रखनी चाहिए, शंका रख के नहीं चलोगे, तो शंका हमने खोली थी, तो खोलते भी नहीं, गुरुजी से इजाजत मिल गई तो मैंने रखा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई दोष होता है जो हमको नहीं दिखता, हम कपड़ा पहने हैं, हमारे बाल में माली यहाँ पर कुछ सफेद चीज लगी है, हमें थोड़ी दिखेगी, अब लता दीदी देख रही है तो बताएंगे ये वीनू भैया तुम्हारे यहाँ सफेद ध्यान लगा हुआ हटाओ, तो हम हटाएंगे, तो कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर कोई इच्छा आ गई, ये सूक्ष्म में भी शिक्षा सात परत में आती है, मोह है, इच्छा है, अहंकार है, तो किसी परत में तो नहीं आ गया कि हमारे कहे हुए लोगों को सपोर्ट करे, कैसा बोला ये हमने खा लिया, वो नहीं कहा कि जो आप कह रही कि भगवान नहीं है, भगवान तो सब में है ही है जो बोल रहा है, नहीं नहीं भैया इसका, इस प्रश्न का जवाब वो कैसे दे सकती है ना, वो तो आपके प्रश्न को लेके अंदर जाके अपने को समझ सकती है बस, है और इसका जवाब खाली वही दे सकती है और तीसरा कोई दे भी नहीं सकता, नहीं नहीं तो बोलेगा तो ये बोलेगा कि बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला आपने, भगवान जी की बहुत अच्छी बात बताई, वो यही करेगा, वो क्रॉस नहीं जा पाएगा, ये तो हमने हिम्मत करके बोला, मन खोला, मन खोलना बड़ा भारी कठिन काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उनके बात में बात मिला देना बड़ा आसान है, तो भैया जितने बैठे सब बोल देंगे, चाहे वो वीनू बोल दे, चाहे मंजू आंटी बोल दे, चाहे कोई बोल दे, मन बात में बात मिलाना बड़ा आसान है, बोलते चले जाइए, लेकिन उसके क्रॉस जाकर के अपने मन की बात, मन की खराबी को खोल के बोलना, वही बहुत डिफिकल्ट है जो हमने किया, तो हम खाली यही कह रहे थे कि ये इच्छा आ जाती है कि नहीं आ जाती है कभी कभी, कि हमने कैसा बोला, हाँ भाई बोलिए, तो आप बोले, फिर आप बोले, फिर तीन चारों बोले, हाँ बड़ा अच्छा बोला, बड़ा अच्छा बोला, अच्छा तो है ही है, क्योंकि गुरु जी के मुख से, आपके मुख से निकल रहा है, गुरु जी की वाणी आ रही है, अच्छी तो है ही है, वो अच्छी नहीं कैसे हो सकती है, ये बात हम करें, अच्छा एक बात हम बताएं, हाँ एक बात हम बताएं, वो समझ आएगी, जानते हो अगर मन में किसी मन में कोई शंका नहीं होती तो कोई प्रश्न भी नहीं होता, जो हमने प्रश्न किया वो आई हुई शंका के तहत ही किया होगा, वो तो भगवान जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका निर्णय, कर्म का निर्णय भगवान देता है।
हमारा अच्छा और बुरा, हमारी नेकी और बदी, जो भी हम कर्म किस जिस भाव से करते हैं उसका जो आशीर्वाद है वो, और उसका जो दंड है वो, दोनों भगवान हमको देता है। क्योंकि अगर हम कर्म कर्ता भाव से करते हैं तो फल जरूर भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये कर्म का विधान और सच्चाई भी है। दूसरी बात ये, अगर कहीं शंका ना होती तो कहीं बोला ना, कहीं अगर आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा, अगर धुआं है तो मतलब कि कहीं आग है, कहीं प्रश्न है तो कहीं संदेह है, अगर संदेह ना होता तो प्रश्न भी ना होता, उठती ही नहीं बात। जो बात आई सामने, जो हमारे अंदर से निकली, जो तुम्हारे अंदर से निकली थी तब तो निकली ना, तो जो निकलती है कहीं अंदर सूक्ष्म में, तुम्हारे भी सूक्ष्म में कुछ पड़ा होगा, हो सकता है हमारे सूक्ष्म में भी कुछ पड़ा हो, वो निर्णायक तो भगवान है, है? लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, अपच्य क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि से परे हम लोग भगवान से प्रश्न करते थे, तो क्या प्रश्न करते थे कि हमको समझ में नहीं आता था, ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पढ़ा लिखा सुना सब है, ये लीक का है, लेकिन लीक से परे जो ज्ञान भगवान देते थे उसको समझने के लिए हम प्रश्न करते थे, हम पूछते थे तो ज्ञान और चलता था। हमने भी सिर्फ इसलिए पूछा कि अगर मन कहीं नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ये जो बुद्धि का ज्ञान है वो बुद्धि कैच कर लेती है, लेकिन जो बुद्धि से परे का ज्ञान है वो अपने बुद्धि में ही धसता है, जबकि वो हमारी भी हमारी आंख पे पानी पड़ गया, जो हमारी शंका थी वो भी हमारी सॉल्व हो गई, तो इसलिए हमने रखा कि हमारी शंका नहीं रहनी चाहिए, कोई भी गांठ रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमने इसलिए रखा कि चाहे किसी का भी हो शंका हम भी खोल देते, हमारी पुरानी आदत है, तो हमने वैसे ही रखा भाई, और हमारा सॉल्व भी हो गया, हमको आराम भी आ गया, और यही हमारा एम था। अपच का मतलब बताने की चेष्टा करेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो आनंद आ रहा है, अगर संदेह है तो फिर मन उस आनंद को नहीं पा पा रहा है ना, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, उसको समझाने के लिए ये पूछा गया कि क्या समझ में आया, पचा कि नहीं पचा, कि ये समझ में आ गया, और सूक्ष्म को समझने के लिए अर्पण बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि अर्पण नहीं है, अभी भी अर्पण नहीं है, इसलिए विचार आ रहा है, तो विचार को शांत करने के लिए अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पण करो, चढ़ा दो भगवान को, तब ये समझ में आएगा। इसलिए हमने भी जो पूछा वो यही बात पूछी, बाहरी स्थूल नहीं पूछा था, क्योंकि हमारा विषय स्थूल नहीं था, स्थूल के जरिए हम सूक्ष्म तक ले जाना चाह रहे थे, बोला अशब्द ब्रह्म पद को पाने के लिए जरिया क्या बना, शब्द, तो शब्द से अशब्दी तक जाने के लिए जो योग हमको मिलेगा, जो जो हमको जरिया मिलेगा वो शब्द ही तो मिलेंगे, नहीं समझ में आया तो उसको फिर दूसरे ढंग से बताता है गुरु, भी हमको एक्सप्लेन करता है ज्ञान को, आत्मा हमने समझा कैसे, आत्मा हमने जिया कैसे, हम तो आत्मा में जीते हैं, भगवान में जीते हैं, जीने की कला किसने सिखाई, जब भगवान से समझा ना, हमने तो बहुत प्रश्न किए, तुम आज एक प्रश्न कर रहे हो, बिना प्रश्न के तो उलझन सुलझती नहीं है, उलझन कैसे सुलझेगी, बिना पूछे नहीं जाती है, लेकिन जो बताने वाला है, जो जानने वाला है, हमारी बुद्धि नहीं समझ रही है तो हम पूछेंगे ना, हम और जब हम समझेंगे तब तो हमको समझ में आएगा, तो हमारे अंदर में प्रश्न नहीं आएंगे तो ये आएगा, बात ही नहीं होगी कि प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, जब कहीं कुछ नई चीज समझ में आती है, नया सिद्धांत मिलता है तो उसको समझना पड़ता है, उससे जुड़ना पड़ता है, तब उससे मजा आएगा, उसे समझ आएगी तभी तो उससे आनंद आएगा, आनंद में बाधा क्या है, हम एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं, उस स्टेप ऊपर जाने में हम नहीं चढ़ पा रहे तो हमें सहारे की जरूरत है, जो प्रश्न है वो सहायक है, सहारा है, उस मंजिल तक पहुंचने का सहारा हमारा ही विचार है, उससे जुड़ेंगे तब हम उसको समझ पाएंगे, समझेंगे कैसे भगवान को, जानने के लिए कोई तो जरिया चाहिए ना, इसलिए हमारा जो मंतव्य था वो अपनी बात को मनवाना नहीं था, लेकिन अपनी बात को समझाना जरूर था, हमारी बात समझ में आए ये मेरा उद्देश्य था, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें क्या जरूरत है, हम काहे को क्यों करेंगे, हम तो अपने आनंद में रहेंगे, भगवान को इतना ज्ञान देने की, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम लोगों के लिए इतना इतना भगवान ने ज्ञान दिया है ना,
उनको क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था हमारे लिए कि हमको आराम मिले, इसलिए उन्होंने बहुत अपनी स्थिति से नीचे आके हमको ज्ञान देते थे, समझ देते थे। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग लगे, अगर हम लगे ना हो तो उन्हें कोई मतलब भी नहीं था, मतलब भी नहीं था, लगे इसलिए बिल्कुल अपना अपने जैसे अपने बच्चे को कैसे माँ बाप दे देना चाहते हैं अपना सब कुछ, एक मीठा भी खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, या कहीं से कुछ खा के आते हैं या कुछ भी पहन के तो कहते हैं बहुत अच्छा है, तुम्हारे अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी लाएंगे, तुम भी इसे ऐसा जाना तो वहां से ही लाना, इतना हल्का स्वेटर है, इतना गर्म करता है, अंदर में पहन लो एक कोई जरा सी शमीज तो उसी से पूरा गर्म हो जाता है, दो दो स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वो पहना, हमने उसका महसूस किया, हमने उसको और उसका अच्छापन, उसकी आराम महसूस करी, तो वो हम अपने बच्चे के लिए भी ला के देना चाहते हैं, सेम गुरु का भी यही हो जाती है स्थिति, आनंद उसको जो मिला है इस राह पे चल के, संसार भी मिलता है, ये नहीं कि ये राह पे चल के सिर्फ भगवान की बात है, संसार को जीने की कला आ जाती है, संसार में आनंद से कैसे रहा जाए तो गुरु वो देना चाहता है, इसलिए गुरु हम लोगों को बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहा है, बोले स्थूल से हटा के सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी हटा है, अब हम तो स्थूल में ही पड़े रहते हैं बुद्धि में, तो बुद्धि में रह के कैसे हम जान पाएंगे कि क्या वो हमारे हित की कैसे कर, वो तो खूब जानता है कि हम उसके हित की कर रहे हैं, है? लेकिन हम क्या जानते हैं कि वो अगर हमको किसी बात के लिए टोक रहा है या किसी बात के लिए रोक रहा है या किसी तेजी, हमारे कर्म की तेजी होती है बहुत, तो उसके लिए रोक रहा है, नहीं तुम्हारी सभ्यता नहीं लग रही है तो इसमें तुम क्यों, तुम्हारा अहंकार झलक रहा है, और अगर हम मानेंगे नहीं तो हम क्या जानेंगे हमारा अहंकार क्या है, अहंकार का मिटाना तो नहीं है ना, अहंकार का स्थान बदलना है, सिर्फ स्थान बदलना है, जो देह में हम लोग टिके हुए उसी को तो बदलने की वो चेष्टा कर रहा है, चाहत कर रहा है, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, हमसे भी ज्यादा हमारी अच्छाई जानता है, एक हम लोग माँ बाप होते हुए बच्चे की कैसे अच्छाई जानते हैं, हमारा गुरु क्या माँ बाप जैसा भी नहीं है, कम से कम जिसको हम अपना भगवान मान रहे हैं उसको हम ये तो जाने कि वो मेरा हितैषी है, और इतना ही जान ले अपने माँ बाप भाई बहन जैसा जान के, हितैषी जान के भी अगर हम उसकी हर बात को ग्रहण करते हैं तो कसम खा रहे हैं पता नहीं कहाँ वो पहुंचा देता है, जहां पहुंच के जहां मजा लिया जाता है, अनुभव है, बताया नहीं जाता, गूंगे की सहन है, गूंगे की वाणी है, बता नहीं सकते कैसा बढ़िया मीठा है, कि हर हाल में अच्छा लगता है, स्थिति चाहे जैसी हो, गुरु जी ने यही तो हम लोगों को, स्थितियां तो सबके कैसी कैसी है, लेकिन गुरु जी ने जीने की कला और जीने का जैसे कहते हैं रस पैदा कर दिया, नहीं तो रस नहीं था, सारी दुनिया में सब कुछ था लेकिन एक रस नहीं था, रस पैदा कर दिया इसी संसार में, कैसे रस पैदा है आज, एक एक में, जन जन में, कण कण में, एक मोबाइल में भी परमात्मा देख के, वो भी अगर भर जाता है तो मुझे उलझन होती है, हम सच बता रहे हैं, अपनी स्थिति हम बता रहे हैं, मोबाइल में भी पूरा भर जाता है तो मुझे लगता है इसको जल्दी जल्दी सब खाली कर दो, सब खाली कर दो, हम खाली करने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं रात में, बाकी किसी चीज के लिए कोई खास चीज होती तो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज ना सब खाली, क्यों मुझे लगता है जैसे दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी तो कितनी अड़क है, कितनी तकलीफ है भाई, दिमाग कितना बिजी है, तो बोले इतने दिमाग में भारीपन नहीं होगा तो क्या होगा, तो भारीपन नहीं रखना है, भारीपन नहीं रखने के लिए क्या है, गुरु के विचार को अपनाते, जैसे एक बहू दुनिया के काम करती है, दुनिया के काम करती है, सारा घर का एक एक काम करती है, बट जिम्मेदारी उसकी नहीं होती, जिम्मेदारी होती है सास की, क्योंकि वो सास के कहने से करती जा रही है, उसको अपने मान अपमान का कोई भय नहीं होता है, किसी चीज का भय नहीं होता, क्योंकि वो सास के कहने से लेन देन कर रही है, तो उसे डर नहीं है कि कोई मुझे क्या कहेगा, जो कहेंगे लोग सास को ही कहेंगे, कहेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है ये ज्ञान, जब हम गुरु के विचार से चलते हैं तो सारे उत्तरदायित्व तो गुरु जी का हो जाता है, हमारा आपका, हम तो निश्चिंत मगन होके जीवन में रहते हैं, जीने का आनंद बच्चे की तरह भरपूर लेते हैं, वो तो मांग कर लेता है बस और क्या करता है, तो ये ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए अर्पण बुद्धि तो चाहिए चाहिए, और
इसके बिना तो वन वे ट्रैफिक है भैया, सिंपल की बात है। यहाँ दो दो का झगड़ा कर, दो है ही नहीं, एक ही है, एक है। तो हम लोग का टाइम ज्यादा हो गया, हम तो दिखाई नहीं दे रहा है टाइम।